आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल स्टाइल इन में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का वीडियो जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो उन लोगों के लिए है जिनके फेस पर डार्क स्पॉट्स हैं, एजिंग स्पॉट्स हैं, ब्लेमिशेस हैं, पिगमेंटेशन है। जी हाँ, मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आई हूँ एक ऐसा फेस पैक जो आपके डार्क स्पॉट्स को कम करेगा, आपके पिंपल्स के जो स्पॉट्स हैं आपके फेस पर उन्हें कम करेगा। और आपके फेस पर अगर इवन टोन नहीं है, पिगमेंटेशन बहुत सारा है, तो उसके लिए भी ये फेस पैक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। बहुत से ऐसे गर्ल्स एंड बॉयज हैं जिनकी यंग एज है और उन्हें पिंपल्स हो जाते हैं। पिंपल्स तो हो जाते हैं, बट पिंपल्स जाने के बाद पिंपल्स का दर्द जो है वो काफी टाइम तक हमारे फेस पर नजर आता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पिंपल्स के स्पॉट्स की, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा जिद्दी और ढीठ टाइप के स्पॉट्स होते हैं और ये हमारे फेस से बहुत जल्दी और आसानी से नहीं जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इस परेशानी से जूझ रहे होते हैं, क्योंकि मेरे भी बहुत ज्यादा पिंपल्स थे और मेरे फेस पर स्पॉट्स पड़ जाते हैं। अभी भी पिंपल्स निकलते रहते हैं, बट वो पिंपल्स तो चले जाते हैं बट उनके जो स्पॉट्स हैं वो रह जाते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये फेस पैक लेकर आई हूँ। आई होप ये फेस पैक आप लोगों के लिए जरूर हेल्पफुल होगा, बिकॉज मुझे तो ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल लगा। गाइस, फ्लॉलेस स्किन और बेदाग स्किन किसको नहीं अच्छी लगती है, सभी को पसंद होती है। तो मैंने इसीलिए आज का वीडियो जो है वो प्रिपेयर किया है। तो अगर आपके फेस पर पिंपल्स के दाग है, एजिंग के स्पॉट्स है, पिगमेंटेशन है, ब्लेमिशेस है, तो ये फेस पैक जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, इसके लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए? इसके लिए हमें चाहिए आलू। जी हाँ, ये आलू है, आप देख सकते हो। कुछ बूंदे नींबू की, मुल्तानी मिट्टी, रोज़ वाटर और दही। ये सारा सामान आपको आपके किचन में ही आराम से मिल जाता है और ये हमारे फेस के स्पॉट्स को कम करेंगे। ये फेस पैक आपको लगाना है वीक में 2 बार और इसे आपको कंटिन्यू करना है लगभग 1 महीने के लिए। जी हाँ, आपको 8 बार पूरे महीने में ये फेस पैक लगाना है, उसके बाद आप इसका रिजल्ट मुझे खुद बताएंगे। गाइस, सबसे पहले हम कटोरी में ले लेते हैं 2 चम्मच दही। दही एंटीबैक्टीरियल होता है, मुहासों के लिए बेस्ट होता है। दाने हैं आपके फेस पर, दाग हैं तो उन्हें भी हटाता है, डार्क स्पॉट को लाइट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। गाइस, नेक्स्ट मैं ऐड कर रही हूँ उसमें 1 चम्मच रोज़ वाटर। रोज़ वाटर बहुत अच्छा टोनर होता है, फेस को रिफ्रेश करता है, नेचुरल ग्लो देता है और स्किन को बहुत ज़्यादा क्लीन करता है। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी मैं 1 चम्मच ऐड कर रही हूँ और ये जो है मुल्तानी मिट्टी हमारे फेस को बहुत अच्छा सा जो है वो ग्लो देती है और हमारे फेस के लिए मुल्तानी मिट्टी बहुत अच्छी है। गर्मियों में आप जो है एज ए फेस पैक नॉर्मल मुल्तानी मिट्टी को भी रोज़ वाटर में मिलाकर लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम ले रहे हैं लेमन की 5 से 6 बूंदे। ये नेचुरली डार्क स्पॉट्स को कम करता है और डेड स्किन सेल्स को हटाता है, इसलिए इसमें हमने ऐड किया है लेमन। लेमन के बाद हम इसमें ऐड करेंगे आलू का रस। जी हाँ, आलू को हमें कर लेना है कद्दूकस और इसका रस निकाल लेना है। आलू जो है इसके जूस में एंटीऑक्सीडेंट होता है, एजिंग स्पॉट्स को दूर करता है, स्किन को हाइड्रेट रखता है, ब्लेमिशेस, डार्क स्पॉट, रिंकल्स, स्कार्स, डार्क पैचेस को कम करता है और इसमें स्टार्च होता है, इट्स रिड्यूस पिगमेंटेशन एंड डार्क स्पॉट्स। तो ये मैंने निकाल लिया है आलू का रस, इस तरह से हमें निकाल लेना है, बहुत ईजिली निकल आता है। और इसमें हम ऐड करेंगे आलू का रस लगभग 1.5 चम्मच, आप देख सकते हो 1.5 चम्मच ही निकला भी है रस और हम इसमें ऐड कर लेंगे। अभी हमें इन सारी चीज़ों को कर लेना है अच्छे से मिक्स, बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे गाइस, ताकि जितनी भी चीज़ें हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए और उनका जो हमारे फेस पर इफ़ेक्ट है वो एकदम परफेक्ट आएगा। तो मैंने कर लिया है अपना फेस वॉश। किसी भी फेस पैक को लगाने से पहले मैं अपना फेस ज़रूर वॉश कर लेना चाहिए गाइस। नेक्स्ट मैं कर रही हूँ अपने क्लोथ्स को कवर अच्छे से, जिससे कि जो मेरा फेस पैक है वो मेरे कपड़ों को ख़राब ना करे। बालों को कर लिया है मैंने फिक्स,
और आप देख सकते हो मेरे जो पिंपल्स के स्पॉट्स हैं वो हैं चिक्स पर और फोरहेड पर, एक चिन पर भी है। तो मैं ये फेस पैक अप्लाई करने जा रही हूँ। नॉर्मली जैसे आप फेस पैक अप्लाई करते हो वैसे ही करना है। आप चाहो तो किसी ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर सकते हो या फिर आप अपने फिंगर्स की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं कर ले रही हूँ इसे अपने फेस पर अप्लाई। इसे मैं करती हूँ वीक में 2 बार और ये मेरे फेस के जो भी स्पॉट्स हैं उन्हें लाइट करता है। जी हाँ, और जब भी ये लाइट होने लगते हैं हमारे डार्क स्पॉट्स फेस पर, फिर ये धीरे धीरे इनविजिबल हो जाते हैं। तो मैं ये फेस पैक जो है वो यूज़ करती हूँ। इससे क्या होता है गाइस, ये फेस पैक मेरे स्किन को जो है वो न्यूट्रिशन देता है बिकॉज इसमें दही मिला हुआ है, टैनिंग को रिमूव करता है, मैंने इसमें लेमन मिलाया हुआ है और ड्राई स्किन की प्रॉब्लम को दूर करता है, मेरी स्किन को फेयर करता है और स्किन पर ग्लो भी लाता है। तो अभी हम कर रहे हैं वेट इसके ड्राई होने का। अगर ड्राई नहीं भी होता है तो भी आपको इसे 20 मिनट के बाद वॉश कर लेना है। मैंने कर लिया है 20 मिनट के बाद अपना फेस वॉश और मैं इसे कर रही हूँ एक टॉवल की हेल्प से ड्राई अच्छे से। तो गाइज आप देख सकते हो मेरे जो डार्क स्पॉट्स हैं वो थोड़े से लाइट हुए हैं, मेरे फेस पर जो ग्लो है वो अच्छा सा ग्लो आया है क्योंकि इसमें दही है और लेमन का जूस है। लेमन और पोटैटो जूस जो है वो एक नेचुरल ब्लीच है, तो ये हमारे फेस को बहुत ही ज़्यादा जो है वो फेयर भी बनाते हैं और ग्लो भी बनाते हैं। नेक्स्ट मैं अपने फेस पर अप्लाई कर रही हूँ एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल मैं इसलिए लगाती हूँ जिससे मेरी स्किन मॉइस्चराइज रहती है। देख सकते हो फेस पर ग्लो भी है, डार्क स्पॉट्स भी लाइट हुए हैं और आप इसे अगर रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपके भी डार्क स्पॉट्स लाइट हो जाएंगे। सो आई होप गाइस वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी मोर ब्यूटीफुल एंड बी मोर स्टाइलिश। नमस्कार।